बर्थ हजरात जो है ना इससे दूर रहें प्लीज, उनके लिए खतरनाक टॉपिक साबित हो सकता है। होगा लेट्स सपोज मैंने आपसे कोई ड्रेस सिलवाना है, मैंने वहां अपनी सारी मेजरमेंट्स वगैरह करने के आप लोगों ने रखना कि यार ये हमारा सेट हुआ है गोल, आना है आओ नहीं आना ना आओ, हम लोगों ने 500 रुपए में निभाना पर सब्जेक्ट कॉस्ट करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं। अच्छा तो आज का टॉपिक जो है वो है हम खवातीनों के लिए, हम गर्ल्स के लिए, ठीक है? क्या सीन है? तो मर्द हजरात जो है ना इससे दूर रहें प्लीज, उनके लिए खतरनाक टॉपिक साबित हो सकता है। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज जो मेरा असल में टॉपिक था कि यार हाउ कैन वी गेट इनकम, ठीक है? पैसा ही पैसा हो गया। कितनी हाउसवाइफ्स यार ऐसी होती हैं कि वो जो चाहती हैं यार हमें हमारी इनकम मिले, हम अपनी सेल्फ जनरेटेड इनकम के साथ जो है गुजारा करें, डिपेंडेंट हो के उनके मत मर चुकी है, ठीक है? अब वो चाह रही है कि यार हमारी अपनी भी कुछ इंडिपेंडेंसी हो, कुछ ये चाह रही है कि यार हम अपने हस्बैंड के साथ खड़े हो सके, कुछ ये चाह रही है कि यार कुछ ना कुछ हमारी सेविंग्स होती रहे, मतलब सबके यार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? तो मैं आज आपके लिए ना 3 से 4 से 5 ऑप्शंस लेकर आई हूँ जो ये लेडीज जितनी है, गर्ल्स जितनी है, सब कर सकती है, उनके लिए बहुत ही। जो सबसे पहला मैं आप लोगों को ऑप्शन देने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? आजकल अगर आप देखने जाएंगे तो यार ये ब्राइडल लहंगे वगैरह जितने होते हैं दे आर टू मच एक्सपेंसिव। आप लो क्वालिटी में भी चले जाओगे ना यार वो लाख से कम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपकी अपनी शादी हुई होगी, आपकी नहीं हुई होगी, आपके कजन की हुई होगी, आपके खानदान में किसी की होगी, जिनके महंगे तरीन लहंगे जो है वो सूट केस की नजर हो चुके हैं और दे आर डूइंग नथिंग विद दैट। एक दफा पहन लिया, आपको पता है हम औरतों का मसला भी यही है, एक दफा पहन लो चीज तो हम दूसरी जगह पहन नहीं सकते। आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप स्टार्ट करो, जीरो इन्वेस्टमेंट होगी, आपका अपना लहंगा है, ड्राई क्लीन करवाओ, रेंट आउट करो उसको। अगर आपका जी ये लहंगा 1 लाख का भी है आप उसको 30,000 पे रेंट पे लगा दो, आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। उसको ड्राई क्लीन करवाओ, उसको फिट करवा दो और उसको रेंट आउट कर दो, ठीक है? ये आपकी होगी जीरो इन्वेस्टमेंट पे जो आपकी इनकम जनरेट होगी, ठीक है? दूसरा फिर आप इसको अगर आगे एक्सपेंड करना चाहते हो क्या कर सकते हो, अपनी सहेलियां पकड़ लो यार, अपने दोस्त पकड़ लो, अपने जो है वो खानदान के लोग पकड़ लो, उन सबसे जो है सेकंड हैंड लेंगे परचेज कर लो, ऑलराइट? उसको परचेज कर लो, परचेज करने के बाद क्या करो, उनको ड्राई क्लीन करवाओ और सारे लहंगे लगा दो फॉर रेंट। कसम से ये आप लोगों का इतना मजे का बिजनेस चलेगा ना, एक दफा क्लिक होने की देर अगर आपके लहंगे वगैरह अच्छे होंगे, रीजनेबल प्राइस पे आप लगाओगे तो मेरे ख्याल से ये आपका बहुत फिट आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहला आइडिया ये है जो आप बहुत इजीली अपने लहंगे से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आइडिया क्या है जी, आप जो है कोई स्किल जो है वो कर लो, अच्छा, ठीक है? और वहां से क्या है कि ड्यू टू माय रेफरल कोड आपको वो जो कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा, उसमें जस्ट आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फी वगैरह आप लोगों को करवानी पड़ेगी, उसके अलावा वो सारा कोर्स आपको क्या हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है? If you people are interested, do mention in comment, ठीक है? तो मैं आपसे जिस मर्जी के थ्रू, आपसे ईमेल के थ्रू, जो भी मैं मेरा प्रोसीजर होगा उसके थ्रू क्या करूंगी, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगी और मैं बताऊंगी आपने इस रेफरल कोड के थ्रू इस जगह अप्लाई करना है तो आप लोगों को आप ये जो है कोर्स फ्री अवेल कर सकते हैं, ठीक है? नाउ थर्ड ऑप्शन इज दैट कि यार आप लोग कर सकते हो, कोई है जी उसकी स्किल्स जी सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छी है, ठीक है? किसी की स्किल्स जी पेंटिंग में बहुत अच्छी है, किसी की स्किल्स जी खाने पकाने में बहुत अच्छी है, काफी लोग कर भी रहे हैं, उन्होंने फूड पैंडा के साथ कर लिया, अपना जो है किचन खोल लिए, सारी चीजें कर ली, दे आर डूइंग दिस सो मच, मतलब ये बड़ा चल रहा है आजकल। तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत है, आई नो हर चीज काम के लिए आपको थोड़ा सा इंकरेजमेंट चाहिए होती है, पीछे से यार कोई आपको पुश करता रहे, इनकरेज करता रहे, बहुत जरूरी होती है चीजें। तो ये चीज एक दफा स्टार्ट हो जाए तब भी आपकी इनकम बहुत अच्छी से जनरेट हो जाएगी। आजकल यार ऑनलाइन मैंने देखा है कि स्टार्ट हो गया है कि आप ऑनलाइन स्टिचिंग कर सकते हो, ठीक है? अपना एक आप ऐप बनाओ, ठीक है? वहां अच्छे अपने टेलर्स वगैरह बिठाओ, ऑनलाइन आप उसके जो है सारे ऑर्डर्स वगैरह देना शुरू कर दो। आपके पास जो क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने आपसे कोई ड्रेस सिलवाना है, मैंने वहां अपनी सारी मेजरमेंट्स वगैरह दे दी और अपना ड्रेस जो है आपके पास डिलीवर कर दिया, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मेरा सारा ड्रेस स्टिच होकर आ जाएगा और वो वापस मुझे डिलीवर हो जाएगा। मतलब ये ऑनलाइन काम भी आप देखें हम लोग के लिए कितनी सरखपाई है, जाके टेलर्स के पास जाओ, ये करो वो करो, तो जब ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म हमें मिल जाएगा तो हमारे लिए कितना फिट हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट आइडिया मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ वो है जी नंबर 4, ठीक है? बेकिंग, ठीक है? आजकल यार इतना स्कोप है, कोई पार्टी हो जाए, कोई बैचलर्स पार्टी हो जाए, बच्चे की हो जाए, बड़े की हो जाए, वेडिंग सेरेमनी से एवरीथिंग, अगर आप उसके लिए कपकेक्स वगैरह, आप लोगों की बेकिंग बहुत अच्छी है, कपकेक्स पे जाओ यार वो सेल करना शुरू कर दो, आप कस्टमाइज केक वगैरह जो है वो सेल करना शुरू कर दो, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। तो अगर आपकी बेकिंग पावर अच्छी है, हर चीज है, तो आप भी इससे बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के लोग पागल है,
हर सेरेमनी के लिए वी नीड समथिंग, ठीक है, जो कस्टमाइज हो। तो अगर आप लोगों की बेकिंग पावर बहुत अच्छी है, आप बेक बहुत अच्छा करती हो, तो आप लोग इसकी तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपने, आप लोगों ने जी अपनी जितनी बेकिंग स्किल्स है, एक इंस्टाग्राम का पेज बनाओ, उसमें अपनी स्किल्स अपलोड करना शुरू कर दो। अभी आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें कुछ नहीं होगी, जस्ट क्या है, जैसे ही आपको ऑर्डर मिलेगा उसके पैसे आपको रिसीव होंगे और आप उसमें काम करना शुरू कर दोगे। और एक दफा अगर आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी सारी बहुत सब क्लिक कर गई, तो यार आपका बिजनेस ऊपर जाएगा ही जाएगा, फिर कोई रोक ही नहीं सकता इसको। तो नंबर फिफ्थ, आप लोग क्या कर सकते हो यार, ट्यूशन स्टार्ट कर दो। ट्यूशन का आजकल इतना स्कोप है। पहले तो ये होता था ना यार, हर घर में बच्चा खराब है। आजकल अगर आप यार एजुकेटेड हो, तो आप लोग पर सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छा कॉस्ट कर सकते हो। मतलब आप कितना अच्छा पर सब्जेक्ट भी, इवन मैथ्स का ले लो, इंग्लिश ले लो, कंप्यूटर ले लो, आप पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्राइसेस जो है वो रख सकते हो। तो ये ट्यूशन सेंटर जो है, ये नहीं कि आप जी वो गली मोहल्लों का ट्यूशन सेंटर बना लो, जी आ जाओ 500 रुपए में सारे आ जाओ। आप लोग कहने के, आप लोगों ने रखना है कि यार ये हमारा सेट हुआ हुआ गोल, आना है आओ, नहीं आना ना आओ, हम लोगों ने 500 रुपए में नहीं पढ़ाना, पर सब्जेक्ट कॉस्ट करो और दैट्स इट, लाइफ मजे में आ जाएगी। सीरियसली अपनी पसंद के बच्चे रखो यार, जो समझ आ रहे हैं, जिनको पढ़ा सकते हो, जो उनसे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, इसको ऑनलाइन पे भी लेके जा सकते हो। आजकल ऑनलाइन लर्निंग का, उसमें कुरान टीचिंग का इतना ज्यादा यार ऑनलाइन चल रहा है कि आप ऑनलाइन लर्निंग जिस तरह आप ऑनलाइन कर सकते हो, अब्रॉड की बात कर लो, वहां इतनी यार कुरान को सीखने के लिए सब प्रेफर करते हैं कि यार ऑनलाइन हमें कोई टीचर मिल जाए। तो ये कोई इस चीज में भी बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल है, तो वो इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकता है। तो ये अभी छोटे मोटे आइडियाज थे, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसमें कुछ को अच्छे भी लगेंगे, कुछ को बुरे भी लगेंगे, बट ये मिक्स एंड मैच है। अगर इनमें से आपका कोई भी क्लिक हो जाता है, तो आप लोग मुझे दुआएं दोगे, ठीक है। और बाकी जो मैंने सोशल मीडिया वाला कहा था, वो जरूर अपने माइंड में रखना और कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अगर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वजह से मिल रही है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है। बाकी हंसे चाहिए, मुस्कुराए, क्या पता कल हो ना हो। कौन है ये लोग, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्यार दें। बाय बाय।